हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज है 24th मार्च, 24th ऑफ मार्च, और कल होता है मेरे बच्चों का बर्थडे। तो घर पे ही हम लोग बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि आज मेरी कितनी बैंड बाजा बजी होगी। अच्छे से सुबह से सफाई करने में लगी हूँ और काफ़ी टाइम बाद फिर से अच्छे से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। और बर्थडे का ब्लॉग तो शूट करना तो बनता ही है। आज मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए, जो केक बना रही हूँ उसकी प्रिपरेशन मैं आज से ही करूँगी। और आप लोगों को भी बताया कि नवरात्रि चल रहे हैं, मैंने भी फास्ट उठाया हुआ है, पहला और आखिरी रखूँगी। लेकिन अब नवरात्र के बीच में अगर ऐसे कोई पार्टी पड़ जाए तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है, खाने के लिए थोड़े से फिर ऑप्शन कम हो जाते हैं। तो खैर, बच्चे तो मैगी चिप्स वगैरह सब खा लेते हैं, और अगर बच्चों को ये सब पार्टी में ना दिया जाए तो फिर उनके फ्रेंड सर्कल की जो भी पार्टी है वो बेकार हो जाएगी। इसलिए बच्चों के लिए तो कुछ नहीं, उनको तो सब कुछ दे देंगे। ये आज मैं आप लोगों से पहले केक का वीडियो शेयर करती हूँ, क्योंकि एक दिन पहले से उसका स्पॉन्ज वगैरह बना के तैयारी शुरू कर दूँगी। कुछ स्नैक्स वगैरह भी हैं जो कि बना के मैं फ्रिज में रख दूँगी, और बाकी जो कल आएगा वो सब आपसे साथ ही साथ शेयर कर दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बच्चों के बर्थडे का ये व्लॉग आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो आप लोगों को दिखाती हूँ, मेरी साफ़ सफाई तो हो चुकी है, जितना भी मैं कर सकती थी मैंने कर लिया है, और बाकी क्लीन रहता है। बट बच्चे थोड़ा सा घर भर फैला देते हैं, और रात तक तो ये लोग बैलून वगैरह फुलाने लगेंगे, तो फिर से कुछ नहीं कह सकते कि घर का हाल क्या होना है। और दो तीन दिन से दिल्ली NCR में आप लोगों को पता है कि मौसम बहुत ख़राब हो गया है। इसी बीच मैंने कट इन्वर्ट इन सब कुछ तो हुए थे, तो फिर अंदर ये जुगाड़ करा हुआ है रस्सी, जो कि रात को डल जाती है और सुबह हट जाती है। और बाकी कुछ ये देखिए, मैंने सब्जियां ली हैं। ये ना पूरा मंदिर का सेटअप जो मैंने इस बार नवरात्रों में लगाया है, मैंने कुछ शॉर्ट्स तो डाले हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से कुछ मैंने इस बार, पिछले दो तीन साल से बच्चों का बर्थडे नवरात्रों में ही पड़ रहा है। उस चीज़ की खुशी तो होती है, बट पार्टी के हिसाब से थोड़ा सा हो जाता है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। बाकी दोस्तों, इस बारी फ्रिज ने बहुत ज़्यादा परेशान करा हुआ था, पुराना फ्रिज बहुत दुखी कर रहा था, तो नवरात्रों में तो नहीं आया। उससे पहले ही मुझे फटाफट से ये फ्रिज भी लेना पड़ा, बिल्कुल सडन एक दिन के अंदर। और इसमें स्टोरेज आपकी काफ़ी अच्छी है, तो इस बार मेरे लिए अच्छा होगा। शायद मैं दोनों केक इसी में ही रख पाऊँ, नहीं तो मुझे एक केक कहीं किसी के वहाँ रखवाना पड़ता था। और इसमें सारा मेरा स्टोरेज आ जाएगा, जो भी मैं स्नैक्स वगैरह बना रही हूँ और बच्चों के लिए लेके आ रखी हूँ मैं मकीन्स वगैरह, तो ये भी मैंने एक दिन पहले ला के फ्रिज में स्टोर कर लिए हैं। ये सब ला रखे हैं बच्चों की पार्टी के लिए, चिप्स वगैरह, और ये है जूसेस, जो कि रिलायंस वगैरह में जाओ तो आपको पता है अच्छे से मिल जाते हैं ऑफ़र में। और ये है कोल्ड ड्रिंक भी, कुछ 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 सामान तो और लाना बाकी रहता ही है। और मैं इस बार बच्चों को सॉफ्ट सर्व करने के लिए ये प्लेट्स लाई थी, ये देखिए देखने में कितने लुक वाइज बढ़िया है। और एक चीज़ और दिखाती हूँ आपको, ये देखिए एक ये ट्रे भी मैं लेके आई थी। तो दोस्तों, ये मैंने बना लिया है आपका, उसकी तैयारी कर ली है। दोस्तों, ये मैं कर रही हूँ कटलेट की तैयारी, और मैंने कम से कम 2-3 किलो आलू हैं ये, और इनको थोड़ा पतला पतला इस तरीके से स्लाइस काट के बॉईल करने के लिए रख रही हूँ। और इसको बहुत ज़्यादा बॉईल नहीं करना है मुझे, हल्का हल्का बॉईल करना है। एक बार पहले भी मैं घर पर अच्छे से इसको ट्राई कर चुकी हूँ, जब ये मेरी रेसिपी अच्छे से कामयाब होगी उसके बाद ही मैंने बर्थडे के लिए इसके लिए प्रिपरेशन की है। तो इसके मैं बनाऊंगी आपके पोटैटो वाइट्स, आपने शॉर्ट्स में देखा होगा। तो अभी मैंने इसमें नमक वमक कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ और सिर्फ इसे हल्का सा पकाएंगे, मतलब 70% पका लेंगे, 30% छोड़ देंगे। और अब दूसरी तरफ करती हूँ मैं केक की तैयारी। दोस्तों, अब मैं कर रही हूँ क्रीम व्हिप, और ये मैं लेके आई हूँ ट्रोपोलाइट की प्रीमियम। तो अब इससे जल्दी से मैं व्हिप करके रख लेती हूँ, क्योंकि आज का दिन बड़ा बिजी बिजी होने वाला है, शाम को भी बाहर जाना है। तो अभी मैं क्रीम व्हिप कर रही हूँ।
और इधर मेरे ये आलू भी हो गए हैं, ये अच्छे से मतलब अभी पके नहीं है, हल्के हल्के कच कच से हैं, इसी स्टेज पे मैं इनको निकाल लूंगी। और ये केक भी मैंने बेक करने के लिए रख दिया है, इस तरीके से मैं बेक कर रही हूँ, और ये लिड में एक छेद होना ज़रूरी है तभी ये अच्छे से बेक होगा। और ये देखिए मैंने इसके कटलेट भी रेडी कर लिए हैं, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, अदरक और मिर्ची और चिली फ्लेक्स बस यही डाला है। तो इस तरीके का ये देखिए मैंने रेडी कर लिया है, इनको बना बना के मैं फ्रीज़र में रख दूँगी। तो दोस्तों ये मेरे बच्चों के बर्थडे का वीडियो है, पुराना व्लॉग है, तो मैंने पूरा बना रखा था और मैं डालना मतलब रह ही गया था, बार बार एडिटिंग करती थी और फिर छूट जाता था। मैंने कहा अभी से पहले कंप्लीट कर लेती हूँ, आज इसे अपलोड कर ही देती हूँ। तो अभी अर्णव मुझे इसमें बता रहा है डिज़ाइन की, उसको कैसा केक चाहिए, और दो केक बनाना, ऊपर से स्नैक्स की तैयारी करना ही बड़ा ही हौश पौश हो जाता है। तो आप लोग से मैं जल्दी ही केक की डिटेल रेसिपी फिर से शेयर करूंगी। तो ये देखिए मैंने इसको पता नहीं कौन से थीम का केक चाहिए था, तो इस अलग अलग कलर ये मेरे से बनवा रहा था, दोनों मिक्स करके इसने ये कलर बनवाया मुझसे।